नमस्कार, हमारा राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में एक विकट समस्या बन चुका है, जिसके चलते राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। श्री गंगनगढ़ जिले के केसर सिंहपुर कस्बे में भी प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर श्रीमान उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया ने गुरुवार को केसर सिंहपुर कस्बे में औचक निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद कस्बे का प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्यरत है, जिसको लेकर कस्बे के पालिका टीम व पार्षद यशपाल मेहरोलिया के नेतृत्व में कस्बे के सुभाष पार्क, वार्ड नंबर 2 पार्क, वार्ड नंबर 9 पार्क को पूर्णतः रूप से राज्य सरकार के अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही विभिन्न प्रशासनिक भवन जैसे रेलवे स्टेशन, पालिका भवन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, पुलिस थाना, गर्ल्स स्कूल, कृषि उपज मंडी समिति आदि में भी पालिका कर्मचारियों द्वारा दवाइयों का छिड़काव किया गया व इसके रोकथाम के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इसमें पालिका के सफाई कर्मचारी मंगल, हंसराज, कुशाल कुमार, गणेशाराम, सुनील कुमार माली, काका माली आदि ने सहयोग दिया। इस कार्य में पार्षद पति वीरचंद, लवली जलोत्रा, दीपक जैन, राजकुमार मदान, लवली जलोत्रा, रमेश जग्गा, पालिका अध्यक्ष कालूराम बाजीगर व पालिका के अधिशासी अधिकारी सोनलाल नायक, कनिष्ठ अभियंता चंदन दीप सिंह आदि मौजूद रहे। इसी संदर्भ में पार्षद यशपाल मेहरोलिया ने बुजुर्गों एवं बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर रविवार को जनता कर्फ्यू में सहयोग करें व रविवार को शाम 5 बजे थाली बजाकर इसी बीमारी की रोकथाम में लगे संबंधित कर्मचारियों का हौसला बढ़ाएं व इस वायरस को ख़त्म करने के लिए पालिका का सहयोग करें। वह हमारा राजस्थान न्यूज द्वारा भी अपील की जा रही है कि अफवाहों से बचकर प्रशासन का सहयोग करें। CSC का इंस्पेक्शन किया गया और स्पेशली कोरोना जो वायरस है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी IEC यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए कि लोग अधिक संख्या में इकट्ठे हुए, तो यहाँ पर IEC की कमी भी और दूसरी जो जांच की जो मशीनरी है वो भी इनके CBSC की जो जांच है वो मशीन खराब है, इनको ठीक करने का डायरेक्शन दिए गए और CSC पर बारी बिगड़ी भी डायरेक्शन दिए गए कि मास्क है या सैनिटाइजर है मेडिकल स्टोर्स वाले उसको अधिक कीमत पर नहीं भेजें, काला बाजार नहीं करें, इनकी जाँच करने की तो इनको डायरेक्शन दिया गया। स्पेशली कोरोना वायरस को लेकर के सावचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि इस कोरोना वायरस को मजाक में ना लें कि जब सरकार ने 144 धारा लगा दी और विश्व ने इसे महामारी घोषित कर दिया है तो यह कोई मजाक की बात नहीं है। जो हम भी मोबाइलों पर संदेश भेज रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए संदेश भेजें, न कि इसका मजाक उड़ाएं, इसका सावधानी ही इसका बचाव है। धन्यवाद। लेकिन केसर सिंह द्वारा जो वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर महामारी जो फैली हुई है कोरोना वायरस, जिसके चलते हुए राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्राप्त निर्देश है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश है, हम सार्वजनिक स्थलों पर सोडियम करवा रहे हैं, छिड़काव करवा रहे हैं और आम जनता से भी नगर पालिका प्रशासन अपील करता है कि आप आवश्यक होने पर ही घर से निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी समझाएँ घरों में रहें, इसके साथ साथ अधिक से अधिक साबुन से हाथ धोएँ और मास्क या रुमाल लगा कर ही जाएँ, भीड़ भाड़ स्थानों से बचें। नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन, पूरा देश इस महामारी पर तभी नियंत्रण कर सकता है जब हम खुद सजग रहेंगे, और क्योंकि ये बीमारी बाहर से अंदर आती है घर के, यदि लोग बाहर बिना मतलब नहीं निकलेंगे तो निश्चित तौर पर अब ये जो अभियान चल रहा है इसमें सबको मिलकर हमें साथ देने बचेंगे। भारत में भी इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरी सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर अपील है कि एक तो गलत अफवाह न उड़ाएं, दूसरा कम से कम लोगों के संपर्क में आए ताकि यह वायरस आपको कहीं ग्रसित ना कर दे, अवेयरनेस पूरी रखें ताकि हम इस गंभीर बीमारी को जड़ से उखाड़ सकें। धन्यवाद।